सब्सक्राइब कीजिए विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों विशाल ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि 2017-18 में आपके गांव आपके शहर में कितने लोगों को पेंशन मिली है, यानी कि कितने लोग आपके गांव शहर में पेंशन पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होगा ओल्ड एज पेंशन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओल्ड एज पेंशन। और दोस्तों जैसे ही आप इसको लिखेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर अपने ब्राउजर पर इसको सर्च कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आप ओल्ड एज पेंशन सर्च करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा वृद्धावस्था पेंशन। तो दोस्तों आपको इस पर पहले वाले नंबर पर ही क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा वृद्धावस्था पेंशन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में नीचे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे लिखा दिखाई देगा पेंशनर सूची। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सारी सूची दिखाई दे रही होंगी 2017-18, 16-17, 15-16 और 14-15। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 16-17, 17-18 की देखनी है तो आपको 17-18 पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे ये आपका जनपद पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके गांव शहर में कितने लोगों को यहाँ पर पेंशन मिली है और कितना धनराशि टोटल यहाँ पर मिली है। और इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको जनपद दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी जनपद है आपको उस पर क्लिक कर देना हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपका पहले वाले जनपद पर ही क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा हुआ पहले दिखाई देगा ग्रामीण क्षेत्र, यानी कि अगर आप गांव से हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर वाली लिस्ट में देखना है और अगर आप दोस्तों शहरी क्षेत्र में आते हैं तो आपको नीचे वाली लिस्ट में जाना है। तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पहले शहरी वाले क्षेत्र को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं पहले वाले पर ही क्लिक कर देता हूँ विकासखंड पर। तो मैंने पहले वाले पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आपके ग्राम पंचायत में कितने लोगों को यहाँ पर पेंशन मिली है यहाँ पर आपको टोटल दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर धनराशि। तो दोस्तों अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे ग्राम में किस व्यक्ति को कितनी धनराशि मिली है तो यहाँ आपको ग्राम पंचायत के नीचे अपनी जो भी ग्राम पंचायत है उस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से एक न्यू पेज ओपन हो चुका है और दोस्तों यहाँ पर आपको ये ग्राम आपका ग्राम दिखा रहा है। तो दोस्तों इसके आगे आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा कुल पेंशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक नंबर नीले टाइप के दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको, तो दोस्तों यहाँ पर फिर से एक न्यू पेज ओपन हो चुका है और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस नाम के व्यक्ति को कितनी पेंशन यहाँ पर मिली है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रार नंबर और यहाँ पर पेंशन जो ले रहा है उसका नाम, इसके बाद इसके पिता का नाम, इसकी आयु, इसका वर्ग मतलब इसकी जो भी कास्ट है, इसके बाद यहाँ पर एड्रेस और यहाँ पर धनराशि कितनी मिली है ये भी दिखाई देगा। और दोस्तों यहाँ पर बैंक का नाम और यहाँ पर अकाउंट नंबर और इसके बाद यहाँ पर इसको ये पेमेंट मिली है, ट्रांजेक्शन हुआ है नहीं, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आराम से पता लगा सकते हैं कि आपके गांव आपके शहर में कितने लोग पेंशन पा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। और तो दोस्तों अगर आपको भी पेंशन नहीं मिली है तो दोस्तों आप इसी तरह से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही काम की वीडियो और ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो फिलहाल इतना ही।